संसार की हर एक परिस्थिति ऐसी है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको टेंशन, जिनकी फिक्स सैलरी है उनको कोई टेंशन नहीं, जिनको पता ही है कि मेरे महीने को इतना मिलने वाला है, बस वो आराम से सोएगा, उनको नहीं ज्यादा भी चाहिए नहीं कम, उनको उतना उनको पता है मेरे 40 के सिक्के आए मेरे को कहाँ पहुँचाना है, जिनको फर्स्ट जाना है उनको टेंशन है, जिनको संसार की दौड़ में दौड़ लगानी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया इन्होंने महंगी साड़ी ली तो मैं क्यों महंगी साड़ी ली, ऐसा होता है। और जो मध्यम महिला होगी कि पता है कि मेरे को 500 से ज्यादा रुपए की साड़ी या जेवरात नहीं मिली, उनको कोई टेंशन नहीं, ऐसा भी पहन के जाएंगे, लेकिन पैसे वाले को अगर दूसरा कुछ ज्यादा ला लिया तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। सही बात है कि रॉन्ग बात है, मतलब वही हुआ, ज्यादा पैसा है तो भी प्रॉब्लम, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम, लेकिन नहीं होता है वो उतने टेंशन में नहीं रहते, उनका दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए तो भगवान ने परिग्रह विरमण व्रत को रखा है, जितनी भी ज्यादा चीजें बढ़ाओ आपका मन शांत होने वाला है, सबको अंबानी बनना है। सही बात है, पहले कुछ नहीं था, हम चल के हर जगह जाते थे, साइकिल आई बाइसिकल आई गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी इंसान को अशांति है, रियल में ऐसा होना चाहिए ना कि सारी व्यवस्था हमको मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए तो कितनी सारी सुविधा है, तो मन कितना कैसा होना चाहिए, एकदम मस्त हो जाना चाहिए ना, तो कितनी सारी सुविधा, बाहर निकलेगी गाड़ी, गाड़ी में बैठे एसी, वहां पे वहां जैसे उतरे लिंक हो गए या ऑफिस वगैरह पहुंचे वहां भी ऐसी, तो मन कैसा रहना चाहिए, एकदम प्रफुल्लित रहना चाहिए, थोड़ा भी गुस्सा आना चाहिए, भगवान ने इतना कुछ दे दिया अभी क्या बात, अभी सब कुछ दे दिया है, और ठीक है जगह रहने वाले को तो सब कुछ दे दिया, पैसा दे दिया है, बंगला दे दिया है, गाड़ी दे दी है, जो चाहे आपकी मन की इच्छा से मोबाइल दे दिया है, आप जो चाहे सारी चीजें आपको मिल गई, तो फिर भी हमारा मन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ होगा दे दिया अभी क्या है, तो गुस्सा तो इसमें जा रहे बैठे इसमें किसी को गुस्सा तो आना ही नहीं है, भगवान को वही बात, भगवान ने मेरे को इतना भगवान आपने कुछ दे दिया है, कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा भी दिमाग डिस्टर्ब होता है तो समझ लगे इतना कुछ मिला हुआ कोई मतलब नहीं, खाली वो सोचते हैं कुछ कम एरिया एरिया में रहते हैं, आप खाली आप एक धारा में बोलते धारा की झूठ पट्टी में एक बार अगर आप जाके आओगे तो आपको पता चलेगा भगवान ने मेरे को जो दिया है वो तो बहुत कुछ दिया है, लोगों को गटर के ऊपर सो जाते हैं खाने के लिए, वहां पे इतना बड़ा झूठ पट्टी एरिया है, हम देखे तो पता चले कि ये नरक पूरा नरक आपको वहां दिखने को मिलेगा, तो भगवान ने मेरे को इतना कुछ दिया, बस अब मेरे को मन की शांति मेडिटेशन में लग जाऊ, ऐसा मन शांत हो जाना, कोई दुनिया चाहे कुछ भी करे मेरा कंट्रोल में जाना चाहिए, मेरी चीज किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अभी तो ऐसा हो गया इंसान को खाली सीट दबाने की जरूरत है तो इंसान सीधा हिलने लगेगा, हम क्या सर, वही आत्मा का मोक्ष हो सकता है, वही आत्मा का मन शांत हो सकता है कि जी उनकी स्वीट अपने खुद के पास है, अपना कंट्रोल कोई लिमिट है उनका क्या आता है, रिमोट कंट्रोल आता है, कोई भी कोने में जाके कहीं से भी वो सोते सोते बैठे हुए जैसे ही दबाएगा वो हिलने लगेगा, यानी चैनल चेंज कर सकता है, ऐसे हमारा नहीं होना चाहिए, ये तो अभी ऐसा ही होता है, हम एक टीवी बन गए और रिमोट सबको दे दिया, सामने वाला जो भी दबाएगा हम हमारे हमारे पूरा चित्र चेंज होता रहेगा, उनको जो चैनल दिखाने को आपको दिखाएंगे, ऐसा हो गया, आपको हलाना है तो दूसरे के हाथ में, आपको हंसाना है तो दूसरे के हाथ में, आपको गलत सोच करनी है दूसरे के हाथ में, मतलब टीवी देखते देखते हम टीवी जैसे हो गए, हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला है, आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था, 100 साल पहले तो सुबह 50 साल पहले ऐसा था ही नहीं, कंट्रोल इंसान का खुद के हाथ में, लेकिन कैसा है इनको पाप करना है पर वो समझ नहीं, ऐसा है पाप करना है तभी किसी का कंट्रोल नहीं चाहे तभी इंसान स्वतंत्र हो जाता है, जब धर्म करना होता है तभी प्रॉब्लम आती है, पाप करना होता है तो दूसरा गुस्सा करेगा तो पाप कर गुस्सा कर लेगा, मतलब कितना खतरनाक हाल है, अच्छे के लिए कोई कराने वाला नहीं है, बुरा करना होगा सब लोग रहेंगे, कभी ऐसा हुआ किसी ने कुछ बोला और आप अच्छी सी आराधना करने लगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं, लेकिन हाँ वो बोलेगा गुस्सा कर सकते, कोई बोलेगा नाराज हो जाओ, कोई बोलेगा तो हंसोगे आप,
हाँ वो किया इधर, जैसे हमारे पति सिद्ध वालों ने किया, पति सिद्ध तो किया, और पति सिद्ध किया उनको धन्यवाद, किसके कहने से किया, मतलब वो जो आत्मा है वो आत्मा है, आगे जाके उनके जीवन के अंदर संस्कार है कि वो धर्म की आराधना भी कर सकते हैं। चिंतन करना कोई ऐसी काम नहीं, पति पति सिद्ध उनका ही पुण्य है कि जो पर इतने चढ़ा हुए, कोई मेरा भी कोई पुण्य नहीं, कोई किसी का, उस सिद्ध का पुण्य है कि एक कर्मक्षय के लिए इतनी आराधना की, बहुत बड़ी बात है। एक सिद्ध का भी पुण्य होता है, हरेक सिद्ध के एक एक जो गाड़ी के जो भी पंचाक्षर आते हैं उनके एक ही पंचाक्षर करोड़ों एक जगह का आवास है, ये भी एक नमस्कार महामंत्र का दूसरा पद है, ओम नमो, जो हरे पद के पीछे सिद्धाय नम आता है, हम जल्दी बोलते ही कि नमो सिद्धाण, वो भी नमस्कार महामंत्र का दूसरा पद है, और दूसरे पद में अवतार मंत्र की जो करोड़ का सार है, जो अवतार मंत्र की आराधना के लिए नमो सिद्धाय नम पद आता है, इनकी हरेक माला में नमो सिद्धाय नम सिद्धाय नम सिद्धाय नम इतनी माला की गई होगी, ये जैसे गिनते जाते हैं गिनते जाते उनका पुण्य का प्रभाव बढ़ रहा है, इसका इतने चढ़ा हुए किसका पुण्य प्रभाव। अगर यहाँ उपवास बेचना का तब होता तो गारंटी के साथ यहाँ इतने चढ़ाए नहीं होते, भले ने 500 लोग होते हजार लोग होते, खाली उपवास बेचना का तब होता तो नहीं होते, ये इस तब का प्रभाव है, एक एक बारी भावों के साथ चढ़ते जाना, इतना छाप करना, देखो बहुत जबरदस्त, जिसने भी सिद्ध तब किया है पहले तो उनका जबरदस्त निकासित कर्म का क्षय हुआ, उनके जीवन के अंदर सारी आहार की तब चल रहे, तब तो गारंटी के साथ आहार की आशक्ति नहीं, उनका पुण्य बढ़ा, उनके परिवार का पुण्य बढ़ता है, सकल संघ का पुण्य बढ़ता है, सकल समाज का पुण्य बढ़ता है, और सूक्ष्म शक्ति की ताकत बनती है, जो कि 30 से 32 लोगों ने किया, जबरदस्त उनकी अनुमोदना है कि आपने एक शुरुआत की, हमारे जो भाई आते हैं ये अभी आप बोल रहे हैं प्रवचन के बाद होंगे, उनका खुद का रियलाइज बताएंगे कि उनको सीधा के पहले वो चाह नहीं छोड़ सकते, वो दो मिनट बताएंगे, ऐसे बहुत आराधक है कि अभी उनको लगता ही नहीं, लोग सोचते हैं पहले सोचते थे हाँ सीधा जब स्टार्ट किया ना पहली बारी तो टेंशन में थे, तो कुतूहल बोला ना आठ उपवास कैसे होगा, सात उपवास कैसे होगा, अभी तो मैं बोलूंगा ना पारणा कर दो ना तो भी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करेंगे क्या पॉसिबल ही नहीं, हमको कुतूहलता से दूर होना है, हमको जिज्ञासा लानी, जिज्ञासा यानी जिनके अंदर आत्मलक्षी विचार होते हैं, गौतम स्वामी के पास जिज्ञासा थी तो भगवान को सवाल पूछते थे, भयवम समाधि की भयवम ये थी, यानी कि उसे धर्म की सूत्र पूरा बना, उनके पास धर्म की जिज्ञासा थी, जबकि हमारी सारी जिज्ञासा संसार लक्ष्य है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे ने बताया था कि मैं छोटा जब वो छोटा था उसकी बात कर रहा था, तो मैं जब छोटा था टीवी देखता था, पहले छोटा टीवी आता था तो लगा ये टीवी में इंसान कैसे आ जाता है, अंदर से आता होगा कुछ होता होगा, तो मैंने पूरा टीवी खोल दिया तो कुछ नहीं निकला, अभी पता चला घर वाले सब आएंगे तो फटाफट मैंने टीवी बंद कर दिया, ये क्या हो गया कुतूहलता हो गई, ये कैसे होता होगा, वो कैसे बनता होगा, वो क्या करता होगा, ये मन की ये सब स्थिति को सुधार, हमको तो हमारे आपको वहां पे रहना है, जितने ऐसे ऐसे विचार आते हैं ये दशा को सुधार, अनादि काल से हमारी सोच ऐसी रही है, हमको ये आराधना करते करते शिद्दत्व के भाव में शिद्दत आत्मा अपने आत्मभाव में लीन हो चुका है, जहाँ नहीं कोई सुख है ना कोई दुख है, ना रोना है ना हंसना है ना जन्म है ना मृत्यु है, कुछ नहीं है, एक भी अनंत अनंत अनलिमिटेड आनंद आनंद और कुछ नहीं, ऐसे वहां हमको पहुंचना है, एक थोड़े से सुख के लिए हम क्यों भाग, ये यहाँ का सुख कैसा होता है, एक बार खाने से खत्म नहीं होगा, समझ लो कि आपको पानी पूरी अच्छी बात है, इच्छा मन या तो बोला जब जो भी बात एक बार खा लिया तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो गई इच्छा, वही तो बात है, उसी इच्छा को दूर करना है, या संसार की जितनी भी इच्छा है खत्म नहीं होती, उसी इच्छा को दूर करना है, परंपरा है उसको पाना है, वही अभ्यर्थना पर जो भी भाग्यशाली परिवारों ने यहाँ बता रहे सबकी अनुमोदना, जिन्होंने चढ़ा लेके हृदय के भाव के उल्लास के साथ नाम लिए उनको खूब अनुमोदना है, एक 3000 का एक इतिहास बना 21 डिग्री तक में इतने अच्छे चढ़ा लेना बहुत बड़ी बात है, ये एक का भाव है, पैसा सबके पास होता है लेकिन हृदय के भाव से जो बोलता है, आपने एक उल्लास के साथ बोला है तो यहाँ जो भी अनुष्ठान होंगे पालना होगा सब उल्लास के साथ होगा, जब भी आप देखेंगे भाव कैसा, तो कोई करोड़ों भी खर्चा करके शादी भी करता होगा वहाँ ऐसा भाव नहीं बनता होगा,
ऐसा माहौल यहाँ कर्म कमाने का बनेगा। लोग कर्म पद के लिए शादियों में खर्चा करता है। इस जो परिवार ने चढ़ावा लिए वो धन्यवाद के पात्र है कि आपकी लक्ष्मी अपने पुण्यानुपद की पुण्य में कन्वर्ट करे। आज कोई बच्चे की भी शादी, बच्चे की शादी होती है कितना लाख खर्चा करते हो? तीन नगर में रहने वाले कितने लाख खर्चा करेंगे? शादी करके तो इंसान संसार वर्णन का काम करता है। ऐसे में बोलता हूँ शादी करना ही गलत है, वो एक समाज की व्यवस्था है, लेकिन आनंद काम करते हैं भगवान तो ने लगना प्रथा ही बनाई है। लेकिन भगवान ने वो नहीं बोला कि तुम्हारे जब शादी होगी तो ऊपर से उतरना, उतरना नीचे से निकलना, बहुत सारा अपना स्टंट लोग कर रहे हैं कि सौ सौ टाइम के खाना रखना, रात को खाना, रात्रि भोजन कराना, भगवान पिलाना। भगवान ने ये कोई बात नहीं बताई। भगवान ने तो बताया तुम्हें बंधन में आ जा, जगत में जितने सारे उसके अलावा जितने भी सारे तेरी माताएं और तेरी बहने ये भावों में आना। भगवान ने बोला नहीं है कि तू इतना सारा पाप कर। हमने उनका पूरा मीनिंग ही कुछ चेंज कर दिया।